मैं आपका स्वागत है दादा। दादा अपना परिचय दिया जाए तो। मेरा नाम रतनलाल महतो है जी। मैं रांची जिला के सिंधी प्रखंड से आता हूँ जी। और मैं यहाँ इस प्राउत का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पीबीआई जी। दादा जी ये बताया जाए कि आपको इस मतलब कब से इस आनंद मार्ग से जुड़े और पीबीआई से जुड़े? आनंद मार्ग से तो हम 1967 से जुड़े हुए हैं जी दादा। और पीबीआई तो ये हम लोग का एक बाबा का दिया हुआ मिशन है 59 से, लेकिन हम लोग इसे 1981 से जुड़े हुए हैं जी दादा। जी एक ये जो है आप पीबीआई के सुना है कि आप झारखंड में यहाँ पर लोगों को इतने लोगों को सेवा कर रहे हैं और साथ साथ इतना बड़ा आयोजन किए हैं जी, इसका मुख्य श्रेय कैसे इसको जाता है? देखिए इसका मुख्य श्रेय तो हम लोग बाबा को ही मानते हैं जी। उनके बिना आशीर्वाद के हम लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं जी। और यहाँ हमारे जो आचार्य साधारण दादा है उनका सहयोग है जी, तभी हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं जी दादा। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो बाहर से आकर के हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए। और कल जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से वक्ता लोग प्राउत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए और ये भी बताए कि प्राउत कैसे यहाँ लाया जाएगा, उसके बिना कैसे देश की उन्नति होगी, उसके बिना कैसे क्या होगा, इसके बारे में समाचार लोग बताया। और हम लोग भी इसी उद्देश्य से लेकर चल रहे हैं कि जब तक प्राउत नहीं आएगा तब तक इन समस्या को जितनी समस्या भी है राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे कोई भी हो उसके समाधान सिर्फ प्राउत में सिर्फ और सिर्फ प्राउत में है। दादा जी इस झारखंड में प्राउत को लाने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोग अभी जो है झारखंड में इसको लाने के लिए प्रखंड वाइज हम लोग कमेटी बनाए हुए हैं जी दादा। प्रखंड से लेकर जिला तक कमेटी बनाए हुए, जिला से लेकर राज्य तक कमेटी बनाए हुए हैं और सभी जगह हमारे लोग कार्य कर रहे हैं। हमको ऐसा ये है कि हम लोग प्रखंड से लेकर के बूथ स्तर तक जाएंगे जी, जो हमारा संगठन जो चल रहा है उसका विचार है जी। और बूथ स्तर तक जाने के बाद लोगों को हम लोग कन्विंस करेंगे कि भाई जब तक आप प्राउस नहीं लाएंगे, जब तक नैतिकवान लोगों को नहीं लाएंगे आप शासन में, तब तक आपका कोई भी मांग जो है पूरी नहीं होगी और ना आपकी दशा सुधरेगी। इसीलिए हम लोग का आग्रह है कि आप प्राउस को साथ दीजिए, यही हम लोग का मिशन है। आने वाले समय में आप विधानसभा के कितनी सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? इस बार हम लोग कम से कम विधानसभा के सीट में आपको रांची जिला ये समस्त झारखंड में कहा जाए तो करीब हम लोग 21 विधानसभा सीट से लड़ने के लिए तैयार है इस बार जी। कुल विधानसभा के कितने? 81 है। ओनली 81? 81 है जी। उसमें 21 पर आप? 21 पर हम लोग इस पर हम लोग कैंडिडेट ऑलरेडी जैसे जहाँ सुरक्षित ठीक है वहाँ सुरक्षित कैंडिडेट हमारे हैं, जहाँ आपको साधारण है वहाँ साधारण कैंडिडेट हैं, सब हम लोग तैयार कर लिए हैं, प्लानिंग बना चुके हैं। इस बार हम लोग जबरदस्त अपने इसे करेंगे। जरा झारखंड के एक जो है मेन इशू है, किन इशुओं पर आप अभी चुनाव के मैदान में आए? सबसे बड़ी बात झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है जी दर। हर जगह हर टेबल में भ्रष्टाचार है जी। हम लोग को एक ही उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार जब तक मिटेगा नहीं तब तक लोगों को कोई काम नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि बच्चे लोग जो सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं जाति प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र उसके लिए पैसा मांगा जाता है और आज तक रिकॉर्ड नहीं है किसी का काम एक दिन में सी ऑफिस में चाहे अंचल ऑफिस में हुआ है, उसको खाली घुमाया जाता है। ये हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग या तो तुम काम छोड़ो नहीं तो काम करो, यही हमारा उद्देश्य है। कोई भी आदमी इस तरह से नहीं हो सकता। आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए? मैं यही चाहूँगा कि हमारा ये झारखंड जो है आप राउत को साथ दें और अपराध को साथ देंगे तभी आपकी समस्याएं हमारी समस्या सबकी समस्या मिटेगी। इसलिए मैं सभी लोग से यही आग्रह करूंगा कि आप बिना देर किए हुए आप अपराध को समझिए जानिए और उसके बाद प्रोटेस्ट बनिए, यही हमारा संदेश है।